गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भैया अप्रॉक्स मतलब काफ़ी दिन हो गए मतलब मेरे को सही से ब्लॉगिंग करे हुए। बीच में एक दिन तो मतलब मैंने पूरा दिन ही ब्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज मैं उज्जैन गया हुआ था। और उज्जैन क्यों गया था उसका आपको पता चल ही गया होगा, और अगर वीडियो में नहीं अगर देखा हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी चाची की फैमिली में मतलब किसी की शादी थी, तो वहाँ से मतलब पहले हमारा हमारा जाना फाइनल नहीं था, क्योंकि आज इन दो लोगों का पेपर था। इन लोगों का आज पेपर था। कैसा गया पेपर? तो अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ इन दोनों से भी। तो इन दोनों का पेपर था, तो हमें एक दिन के लिए जाना था। सैटरडे को हम मतलब सुबह पहुँच रात को निकले थे यहाँ से। संडे का दिन पूरा दिन वहीं रुके, और मंडे को भी रुकना पड़ गया, बिकॉज मैं संडे को फंक्शन था, मंडे को फंक्शन था, और ट्यूसडे को हम वापस आ गए। मतलब कल हम इवनिंग में वापस आए, और सीरियसली बताऊँ तो ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया वहाँ पे। जो भी हल्का फुल्का शूट किया उसको दो पार्ट में एडिट करके डाल दिया है, क्योंकि यार फैमिली अदर फैमिली में गए हैं ना, तो यार मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते ना, तो इस वजह से नहीं जा कर पाए। और जाने का रीज़न आप लोगों को बता ही दिया, अब ऐसा कुछ बात है नहीं कि जो मतलब यही है अर्जेंटली इसलिए निकलना पड़ा, क्योंकि बार बार चाची के पास फ़ोन आ रहे थे, और मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि नहीं आओगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, फिर चाची मुझे आज जाना ही पड़ेगा अब तो। क्योंकि उसी फैमिली में एक वेडिंग और थी जो चाची ने इग्नोर कर दी थी, उस समय हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। बट अब चलो ठीक है, अब जाना जरूरी था तो जाके आए हैं, और आपको मिलाते हैं इनसे। भाई पेपर कैसा हुआ पहले बता, पेपर कैसा हुआ तेरा आज? बहुत अच्छा है। कहे का था पेपर है? इंग्लिश का पेपर का है? पेपर मिला है तो स्कूल से दिखा तो दे। हैं हैं फिल तो फिर फिल क्यों नहीं करा? अबे तू कॉपी तो खाली नहीं छोड़ के आया ना? नहीं, मैंने जल्दी जल्दी फिल करा, पेपर को फिल करने पड़ता ना। हाँ तो मेरे को छोड़ के सब बाकी सब बच्चे। भाई पता नहीं क्या बोल रहा है ये, मेरे को तो इसकी बात ही आधी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। एक जगह रुक के बात नहीं करता ना, इसकी सबसे बड़ी आदत है इधर उधर भागते भागते। मैं अब इधर आ, इधर इधर आ, इधर क्या फिल नहीं करा मेरे को ये बता, पेपर क्यों फिल नहीं करा? फिर नंबर कैसे पता चलेगा? कॉपी पे नाम लिखा था ना अपना? क्या नाम लिखा था? ऋषभ। क्लास कौन सी? सेकंड ए। हैं पापा का नाम? पापा का नाम नहीं था। हैं लिखना नहीं था। मम्मी का भी नहीं लिखना था? हाँ फिर तो सही है भाई, फिर तो सही है। अब तो सही हो गई कि हाँ ये एटलीस्ट कुछ तो लिख के आया, नहीं मैं डर गया पता नहीं कहीं। अब का अब पेपर कब है तेरा? पेपर कब है? परसों। कहीं का? ईवीएस का पेपर है। और तू पढ़ाई कितनी बार कर रहा है? और उसके बाद 4 दिन की छुट्टी। तू पढ़ा क्या एक बार भी? तेरे ईवीएस का पेपर है, तू पढ़ाई करी तूने? अभी नहीं करी। क्यों नहीं करी? उसके बाद 4 दिन की छुट्टी है। उसके बाद है ना ईवीएस के पेपर के बाद 4 दिन की छुट्टी है। ढंग से नहीं बोला जाता है छुट्टी है 4 दिन बाद? हाँ ऐसे बोलना ढंग से, पता नहीं क्या छुट्टी है ऐसी है। और ऐसे करके अगर मैं ऐसे कर दूँ तो उठ जा ले, उठ जा, उठ जा ले, चल चल उधर आ जाओ, वो आ जा फिर लग गया इधर। तो इसकी आदत है जब भी इधर आएगा ना उधर पेड़ों में लग जाएगा, और कुछ काम करेगा नहीं, तो वही सीन है। और भैया अभी इसका इनके अभी पेपर चल रहे हैं ना, तो बस इन्हीं के पेपर के चक्कर में एक दिन के लिए गया था। मेरी भी इच्छा थी, बट महाकालेश्वर भी गए थे हम, वहाँ पे भी हम ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि मोबाइल हमारे सबके बाहर ही रखवा दिए गए थे लोकर्स के अंदर, और अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए भैया मोबाइल वोबाइल गया नहीं और ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ। अगर मोबाइल जाता तो ब्लॉग भी शूट करते, आप लोगों को दर्शन भी कराते। बट मेरी दिल की थी कि अंदर जा, चलो पहुँच गए, वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा तो फाइनल भी नहीं था जाना, कि लास्ट मोमेंट पर जाके फाइनल हुआ था कि चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ, नहीं तो फिर ये लोग ही जाते हैं ना। मेरा लास्ट मोमेंट पे हुआ था ना फाइनल। हाँ, जब हम जाते ना तू छेड़ता रहता, चले यहाँ से, क्या उल्टे सीधे काम करता रहता है, मार खाने वाले। अब तू छेड़ दे कान के नीचे, इतनी जोर से पड़ेगा ना, मैं बता रहा हूँ ऋषभ लाल हो जाएगा कान। ठीक कर रहा हूं। मैंने खींच दिया, इधर आ जा, अब छेड़े मत तू, उधर इधर आ जा, नहीं अब मैं तेरा कान लाल कर दूंगा, मेरे को गुस्सा मत दिला ऋषभ, गुस्सा मत दिला मेरे को, तू फालतू में आज मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं मान रहा क्या? नहीं मान रहा? करूँ क्या? चल अंदर,
धूप हो रही है ना बाहर, गर्मी हो रही है ना, चलो पापा के पास जाऊंगा। पापा के पास बैठे हुए हैं बाहर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियां दिख नहीं रही है। चल अंदर भग जा भाई, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया भाई। इसकी शैतानी इतनी अनलिमिटेड हो गया ना, जिसकी कोई हद नहीं। और दिया और अभी अंदर कोई सीरीज़ देख रहे हैं, तो अभी उनकी सीरीज़ ख़त्म होती है, फिर मैं दिया से भी मिलाता हूँ थोड़ी देर में। आज मतलब मेरे को दिया का छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और भाई इतनी तेज़ गर्मी है ना आज, लिटरली बता रहा हूँ, अंदर मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है फुल के ऊपर, बर्दाश्त ही मेरी गर्मी। और अभी बाहर खड़ा होकर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते होगे कि भाई कितनी तेज़ स्वेटिंग आ रही होगी। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिया ऋषभ से मिलाता हूँ। उससे पहले मुझे एक काम है, तो वो काम भी निपटाता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तेरी तो तबीयत ख़राब रखी थी ना, है नौटंकी कर रहा था, मतलब है दिया नौटंक नाटक कर रहा था ना। मिल्क डेरी रोज़ तीनों फ्लेवर। इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऋषभ जा रहे हैं क्या तू? इधर तो आ, इधर आ जा, आ जा, मैं कट आके लाऊंगा एक राउंड। इधर देख, इधर नहीं आ रहा। तो भाई अभी अभी आपने देख लेना, अभी इसका आना था, अभी इसका अभी इसको थोड़ा सा कहते ना, अभी इसको आना था वापस। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको कैसे छेड़ा जाता है। अभी दोनों जा रहे पापा के साथ में, वो जा रहे, अभी वापस आते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे सेट किया जाता है। बिकॉज है ना ये अभी गए ना एक्टिंग करके, अभी ये दोनों वापस आएंगे ना, फिर इनको पकड़ते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। आज दिया को दिखाया भी मैं लदिया थोड़ा नाटक कर रही थी इसलिए आई भी नहीं, फिर इसकी शाम को तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं भी कहीं काम से चला गया था, तो थोड़े बहुत पंगे थे। तो अभी आती है, अभी आपको मिलाते हैं दोनों से। क्या बोल रहा है? मैंने सुना तेरे को उल्टियाँ हो रही है। हाँ क्यों हो रही है भाई? क्या कर रही, ऐसे क्या खाया तूने आज? ठंडे पानी से नहाया। तू नहाया ठंडे पानी से? मन कर गया दिया, देख ले मन कर गया, और कुछ मन करा नहीं इसका ठंडे पानी से। मैंने मैंने चुस्की भी कब कब पागल हो रहा है क्या? मैंने चुस्की फुस्की मैं पीता हूँ, तो पागल है क्या? फ्रिज में पैकेट ला के रखा था, मैंने एक भी पी थी क्या? जबरदस्ती मेरा नाम लगाया जा रहा है चुस्की पी, बताओ। ले अंदर चलते, पीछे बैठते हैं, आगे चल आ जा यार, बाहर हवा भी चल रही है। तो अब वैसे तो दिन में गर्मी थी, अब थोड़ी हवा चल रही है। अच्छा एक ही कंपनी के तीन। अच्छा मुझे बताओ तेरा पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अंदर अंदर पीछे पीछे आ जा, जा पीछे चल, पीछे चल। सच्ची में अच्छा गया? वो तो बोल रहा मैं लिख के नहीं आया कॉपी में कुछ, वो तो ऐसे बोल रहा मेरा कुछ लिख के नहीं आया है। मुझे लग रहा है ऋषभ की तबीयत खराब हो गई ना उसके एग्ज़ाम की वजह से ना, मतलब उसने एग्ज़ाम की टेंशन ले ली इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। कुछ भी नहीं साला, नोटंग की बात कर रहा है, झूठा है एक नंबर का, मानती नहीं बात, तो झूठ बोल रहा है ना। नहीं सुबह से हो रही है उसकी तबीयत खराब। ओ सुबह से हो रही है तबीयत खराब गोबर की। पंखा बंद, पंखा बंद कर दिया। ऋषभ एक बार दे, क्या कर रही है? एक बार देना ऋषभ दे। क्या कर रहा है ऋषभ? हां क्या कर रही है? क्या आपको पता दिया दीदी क्या करती है? क्या मैं कॉफी लाता हूं ना कभी भी। हां और देख लिया ना, मैं एक टॉफी तो देनी पड़ेगी, तू ऐसे तो जाएगी नहीं भैया, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। देख उसकी तो देख, एग्जाम के चक्कर में तबीयत खराब हो गई, एक टॉफी तो देनी पड़ेगी। तू ठीक सा कुछ कर, तेरे को तो देख रहे झूठ झूठ झूठ। एक टॉफी दे पहले, बाप ने क्या पैर पे पकड़ रखे गेले, अब तो नहीं पड़ेगा ना, अब तो एक टॉफी तो देनी पड़ेगी, एक टॉफी तो देनी पड़ेगा, एक टॉफी तो देनी पड़ेगी भैया। क्यों नहीं सब बिना, गलत बात है ना, एक टॉफी तो देनी पड़ेगी ना, फिर वो हमारी मर्जी हम खाए चाहे नहीं खाए। जो मैंने टॉफी दी ना इसको आप है ना मुंह के अंदर रख के खाओगे ना तो आपको पूरा ना स्वाद आएगा। मैं एक टॉफी दो टॉफी दे दे, एक टॉफी, एक टॉफी मैं एक टॉफी दे, हाँ ले ना ये ले, और थोड़ी सी एक टॉफी दे दे, एक टॉफी दे दे,
नहीं वो देख वो तेरे से बढ़िया तो वो तीन टॉफियां दे रहा है और देख मैंने कुछ कह नहीं रखा तेरे पाँव को बस ऐसे पकड़ है। एक टॉफी चाहिए मेरे को तेरे से आज तो एक टॉफी लूंगा तेरी मर मर्जी वो ही दे दे मगर आज एक टॉफी ले बगैर छोड़ूंगा नहीं मैं भी डी टू आज तो मांग के ला टॉफी है नहीं मैं तो हाथ वाली लूंगा मम्मी से क्यों मांग के ला तू ऋषभ मम्मी से उसने उसने अपने हाथ की दी तो तू अपने हाथ की नहीं दे मत दे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा एक टॉफी दे दे कोई सी भी एक टॉफी दे दे एक टॉफी दे दे कोई सी भी खा ले तो तीनों खा दे मुंह में डाल के मैं पूरी रात तेरे को यहीं बैठाए रखूंगा तू भी जानती है फिर चाहे मेरे को डांट खानी पड़े उसके लिए तू भी जानती है मैं कैसा हूँ कैसा हूँ कैसा छोड़ूंगा नहीं कोई बात नहीं भूखा बोल चाहे कुछ बोल देख दे दी ना एक टॉफी आ गई ना एक टॉफी तो ये मिल गई फाइनली दिया से एक टॉफी मिल गई अब इसको छोड़ देता है नहीं तो है ना अभी फालतू में रो के दिखाएगी रो तुडू राम और दिया भूखी है एक बात तो पता चल गया ऋषभ ने बता दिया आ जा फिर सब भूखी है ना नहीं ये वाली अब मेरे तूने मेरे को दी थी ना ये ले डेरी मिल्क ये वाली ले तू और ये वाली उसको दे दे देख मोटी शर्म कर शर्म कर नहीं शर्म कर शर्म नलायक बेशरम कहीं की क्यों ऋषभ है ना गंदी है ना ये बता एक टॉफी नहीं खिला सकी उस दिन मैं तेरे को टॉफी खिलाया था नहीं खिलाया था खिलाया था ना तेरे को नहीं खिलाया था कार में इधर देखियो कितनी सारी टॉफी तो लेके गया था तूने भी खाई और झूठ बोलती है और ये किया ना ये खा गई होगी ये खा गई होगी भूखी भूखी है भूखी भूखी हाँ बोल 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 मैं भी पापा का ही खाता हूँ तू भूखी है मगर हाँ बता बता ओ भूखी भूखी खा गई थी आइसक्रीम में हाय राम भूखी क्या बोले भूखी मत बोल भूखी मत बोलो अभी बोली वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है रुक अभी पापा को सुनाता हूँ ऑडियो बदतमीजी कर रही है ना बदतमीजी करती ना आज अभी पापा को दिखाऊंगा ये वीडियो क्लिप ही दिखाऊंगा पापा को दिखाऊंगा जब बंद कर इसको टंकी अलार्म को दिया सुन रही है ना आज पापा को दिखा दूँ ना तेरी क्लिप दिखा दूँ ना बदतमीज निहायती भूखी भाई इसमें छेड़ने में बड़ा मजा आता है और आज सीरियसली बताओ ना तो भाई आज थोड़ा सा मूड भी ऐसे थोड़ा सा स्पॉइल्ड टाइप को रखा है क्योंकि मेरा काम था जो काम हुआ नहीं तो थोड़ा सा मूड उसकी वजह से खराब है ज्यादा है और ये देखो चले अंदर लग गई मेरे कैसे मैं ना कूद के बंद ही कर रहा था हाँ स्पीकर और बंद तो हो गया और मेरे चले अंदर चले अरे उसका नाम क्या अब सुन लिया मैंने तो कुछ भी नहीं बोला इसी ने बोला अब तो मैं तो कुछ भी नहीं बोला जब नाम ही उसका मोटी है तो हम क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते अब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला चाची गद्दे से मार दिए देखो ऋषभ को गद्दे सारे ले चल चल अंदर चलते हैं अब वैसे भी तेरी तबीयत खराब है ना ठंडा फर्श है तो मत बैठे तो चलो अंदर चलते हैं और तो अब इस ब्लॉग को आज है ना अब यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करिए थोड़ा बहुत वापस से कुछ चेंजेस करने की कर रहे हैं चेंजेस मुझे पता है चेंजेस होते से होंगे ऐसे तो होंगे नहीं और ये भाई शैतानी करने से मानेगा नहीं तो अपन भी अभी अंदर चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वीडियो कैसा लगा आप बता देना बाकी तो अब जब तक कल मिलते हैं कल तक के लिए बाय 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 बाय।